दोस्तों नमस्कार। करीब 160 NTPC RRB NTPC की जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पर हम सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको कवर करते रहते हैं, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करीब 160 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के लेके आपके लिए आए हुए हैं। आपको बता दें कि ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न है ये काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से, NTPC की दृष्टि से, SSC की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम गवाए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। तो ये जो इसका आंसर है वो है एनाटॉमी। इसका आंसर है एक, एनाटॉमी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, तो आप देख सकते हैं ये RRB में पूछा भी गया है 2016 में। तो आपको बता दें टैक्सोनॉमी जो मूल रूप से संबंधित वो होता है वो है जैव विविधता से, जो कि इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर पहला सही होगा। ये जैव विविधता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन जो कहलाता है वो आपको बता दें आर्कनोलॉजी के अंतर्गत आता है मकड़ियों का अध्ययन। RRB फेज वन में NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, बताइए आप। इसका सही आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से किसी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है? तो वो जो है प्राणी कोशिका का घटक नहीं है वो है न्यूट्रॉन नहीं है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? तो इसको जो होता है माइटोकांड्रिया कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। बांस के रूप में वर्गीकृत है, बांस के रूप में वर्गीकृत क्या चीज़ है इनमें से? आपको बता दें कि इनमें से जो है घास बांस के रूप में, क्योंकि घास भी एक झाड़ियों की तरह ही काफ़ी गुच्छे में निकलता है, उसी तरह बांस भी जो है गुच्छे की तरह ही निकलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनपाई नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक स्तनपाई नहीं है? वो है मछली, वो एक स्तनपाई नहीं है। इनमें से किस किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? मुर्गी, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर। तो जो सही आंसर है वो आपको बता दें कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित जो उपाय है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और जो आपको बता दें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सूरज की रोशनी में सुखाना, हम कोई भी चीज़ों को, फसलों को अगर सूरज की रोशनी में सुखा के उसका यूज़ करते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाएं कि सबसे बड़ा सजीव पक्षी है, तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर है वो है शुतुरमुर्ग। तो इसका आंसर जो है वो पहला है शुतुरमुर्ग। मधुमक्खी के छत्तों में मजदूरों का विभाजन करता है, मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन करता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु को संग्रह करते हैं? तो उन कामगारों को कहते हैं मध्यलिंगी। मध्यलिंगी इन्हें कहा जाता है। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन। विषाणु की क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसका जो सही आंसर है आपको बता दें वो है, यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। तो इसका आंसर जो है वो दूसरा होगा, यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है, ये होता है विषाणु की विशेषताएं। किसकी मान्यता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है संयुक्त नेत्रों के कारण। जो आंसर इसका होगा वो होगा संयुक्त नेत्रों के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र सर्प है जो अपने घोंसले बनाता है? तो वो है नागराज, किंग कोबरा इसे बोला जाता है। वो अपना जो है घोंसले भी बनाता है। निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प लड़ने का गुण पाया जाता है? सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये आपने कई बार सुना होगा, वो होगा नेवला।
विषाणु में होता है, विषाणु में केवल डीएनए होता है, केवल आरएनए होता है, या दोनों होता है? तो जिसका सही आंसर है वो तीसरा है, डीएनए और आरएनए दोनों होता है विषाणु में। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है और करीब 160 क्वेश्चन हम आपके लिए सीरीज लेके आए हुए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको बता दें कि जनरल साइंस से और जनरल अवेयरनेस और बाकी भी जो भी सब्जेक्ट्स है उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले सबसे जो सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो होती है वो हम लेके आते रहते हैं। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है आपसे मिस ना होने पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका दीवार में पाई जाती है, तो कोशिका दीवार में क्या पाई जाती है? वो होता है पादप कोशिका। कोशिका दीवार में पाई जाती है पादप कोशिका। लैक्टिस, लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? सिरका में, पेट में, टमाटर में, या फिर दही में? तो जो इसका सही आंसर है वो है दही। लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं, शहद के लिए मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं एपिकल्चर। ये इसका आंसर है वो तीन है, एपिकल्चर कहलाता है। मानव शरीर में आधारभूत निर्माण इकाई होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो बता दें आपको कि कोशिकाएं मानव शरीर की आधारभूत निर्माण किससे होती हैं? वो होती हैं कोशिकाओं के द्वारा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया चौथा। एक मांसाहारी जानवर है, इसमें चौथा, देखिए यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है, चौथा इसमें मिसिंग है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शंस जो हैं, जिसका अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें आप जो ऑप्शन है वो बाघ, इसमें मांसाहारी जानवर पूछा है, हिरण है, जेब्रा है, ये सब सब घास खाते हैं, बाकी बाघ ही जो बचता है वो आपका एक जो है मांसाहारी जानवर। मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ, मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ, यहाँ पर जो कटा हुआ प्रिंट है कुछ मिस प्रिंट हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन जो वहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, बता रहे आपके मच्छर के अंडों की खोज आप कहाँ करेंगे? तो नदी में, समुद्र में, झरने में, या तालाब में? तो मच्छर जो होता है वो अपना जो है अंडा वो ऑब्वियसली बात है तालाब में देगा, तो इसका जो आंसर है वो चौथा है, जो कि कटा हुआ है यहाँ पर। आगे अगर मैं बात करूँ जानवर, तो वो लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, जानवर जो विशिष्ट रूप से केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं को कहा जाता है। अगर विशिष्ट रूप से किसी क्षेत्र में ही बस पाया जाता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो किसी एक जगह का ही पाया जाता है, जो उसको स्थानीय आप बोल सकते हैं कि स्थानीय नस्ल एक तरह से है, क्योंकि अगर वो एक ही जगह पाया जाता है तो वो वहाँ का स्थानीय नस्ल कहलाता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो दूसरा वाला आंसर आपका इसमें यहाँ पर जो है वो सही है, स्थानीय नस्ल। आगे बढ़ते हैं। टेडोपोल जो है का विकसित, टेडोफोल का विकासशील चरण है, तो इनमें टेडोफोल के बारे में बनाया बताया गया है, मानव है, मेंढक है, मछली है, गाय है। तो टेडोफोल का जो विकासशील चरण है वो है मेंढक, टेडोफोल का विकासशील चरण है मेंढक। इनमें से कौन एक अंडज जीव नहीं है? मुर्गी, मेंढक, तितली? तो इसका जो सही आंसर है आपको बता दें कि इसके तितली के बाद भी है, जो कि प्रिंट में मिस हो गया है, तो वो है आपका कुत्ता। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज जीव नहीं है? तो वो कुत्ता है, जो कि एक अंडज जीव नहीं है। इनमें से कौन सा पशु सबसे बड़े, देखिए यहाँ पर भी मिसिंग है, वो मैं आपको बता दूँ, इनमें से कौन से पशु सबसे बड़े शिशु को जन्म देता है? और इसमें जो चार ऑप्शन है आपके सामने है, ऊँट है, सिंह है, हाथी है, ब्लू व्हेल है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ब्लू व्हेल, जो है एक बड़े शिशु के रूप में जन्म देती है। तीसरा क्वेश्चन वो देखते हैं, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ते का जो वैज्ञानिक नाम है वो है केनिस फैमिलेरिस, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा जो है केनिस फैमिलेरिस, ये जो है कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है। कौन सा पक्षी उड़ता नहीं है? शुतुरमुर्ग, उल्लू, मैना, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो आपको बता दें कि एक है, शुतुरमुर्ग जो है उड़ता नहीं है। हाथियों में गजनंद, गजदंत, दंत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है कृंतक, कृंतक जो होते हैं वो गजदंत होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे क्वेश्चन देखते हैं। बात की जाए 33 की, इनमें से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? तो ऑप्शन जो दे रखा है, और उसमें से जो स्तनधारी प्राणी है उसे हम चमगादड़ को बोल सकते हैं कि चमगादड़ जो है एक स्तनधारी प्राणी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से गुदा तक की लंबाई जो है कितनी होती है? 8 मीटर, 10 मीटर, ये क्वेश्चन है आपका। तो
तो इसका जो आंसर होगा वो बता दे आपको कि 9 मीटर। एक वयस्क मानव के पाचन तंत्र के मुंह से लेकर गुदा तक की जो लंबाई होती है वो होती है 9 मीटर के करीब। तो ये 9 मीटर का आंसर जो है चौथा वो सही है। भोजन में प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो इसके लिए आपको बता दें कि ये है कैलोरीज में। भोजन में प्राप्त जो है ऊर्जा उसे मापा जाता है कैलोरीज में, यानी आंसर नंबर एक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है, किसकी अधिक मात्रा में जो हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो उसमें हो जाता है? तो वो होता है ग्लूकोज के। ग्लूकोज जो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में हो जाती है तो वो हमें डायबिटीज की परेशानी करती है। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः के रूप में जाना जाता है, तो इसका जो आंसर है वो आपको बताएं वो होता है सुक्रोज के रूप में। टेबल दानेदार जो होता है वो सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूल की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो वो है स्टैंड, ये देख सकते हैं आप। तीसरा जो आंसर इसका स्टैंडर्ड डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन जिसको कहते हैं वो दूध में होता है वसा की मात्रा के अनुकूल प्रक्रिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, तो विटामिन जो ए का अच्छा स्रोत है वो है गाजर, यानी आंसर नंबर दो इसका गाजर सही है। जब जल्दी थोड़ा करते हैं हम लोग क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है 0.4%। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है आपका गंठमाला। आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिया है और अब हम लोग 42वां से शुरू करते हैं। विटामिन ए किस किससे संबंधित है? तो वो है रेटिनॉल से। दूसरा अंश का आंसर सही है रेटिनॉल। रक्त तल्व किसके अभाव के कारण होता है? रक्त तलो जो होता है वो होता है फॉलिक एसिड के अभाव के कारण होता है। मुंह में लार भोजन के भाग में पचा भाग को पचा देती है, उसमें खाली स्थान देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मुंह में लार भोजन के खाली स्थान है भाल वाले भाग को पचा देती है, तो यह है स्टार्च वाले भाग को पचा देती है। किस विटामिन की कमी के कारण रिक्टेश की बीमारी हो जाती है? तो वो है विटामिन डी की कमी कारण रिक्टस की बीमारी होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी आ जाती है? तो किस विटामिन की कमी के कारण, आपको बता दें कि विटामिन के कमी के कारण जो होता है रुधिर स्कंदन में कमी आ जाती है। हीमोग्लोबिन के अभाव में होने वाला रोग है, हीमोग्लोबिन के अभाव में होने वाला रोग है जो आपका वह है एनीमिया। एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन के अभाव से होता है। जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है तो वो है विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी होता है। खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? वो है विटामिन सी के ही बना जो है नष्ट होने की संभावना रहती है। किस विटामिन में स्कर्वी एसिड कहा जाता है? तो विटामिन सी को ही स्कर्वी एसिड भी कहा जाता है। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है? तो किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है। पालक पूर्ण रूप से भारी मात्रा में होता है, जो पालक होता है उसमें पूर्ण पालक में भारी मात्रा में क्या होता है? तो वो होता है आपका लोहा, जिसको लोह बोलते हैं वो चीज़ उसमें होता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन सरलता पूर्वक जो है पाच्य स्रोत माना जाता है? तो वो है दालें, जिसे सरलता पूर्वक पाच्य पूर्वक माना जाता है। निम्न में से कौन सा जल में विलेय विटामिन है? तो विटामिन सी है जो कि जल में विलेय है, आसानी से विलेय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 54 के बाद का क्वेश्चन करते हैं। तो किस जीवाणु में दही बनने में मदद मिलती है? किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? तो वो है आप देख सकते हैं बैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होती है ये आपके दही बनने में मदद मिलती है। विटामिन ई की कमी से होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बता दें विटामिन ई की जो कमी है उससे होता है आपको जनन क्षमता में कमी आपके होती है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अराजकता रोग होती है? अराजकता जो होती है वो आपकी कमी से होती है,
लोहे की कमी से आपको ये चीज दिक्कत होती है। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है? तो शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है प्रोटीन, जो आंसर इसका 2 सही है। खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डाले जाने वाले पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो कि उपस्थित इंगित करता है। तो ये चीज उपस्थित किस चीज का इंगित करता है? ये आपका दिखाता है स्टार्च का उपस्थिति को दर्शाता है। दही किसकी उपस्थिति में खट्टा हो जाता है? दही जो होता है वो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति में खट्टा हो जाता है। दूध का महत्व, दूध का घनत्व मापा जाता है, तो वो होता है लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। इनमें सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो वो है ग्लूकोज, जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? तो वो चीज़ है, आप बता दें, आलू से हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सुक्रोज का एक सामान्य नाम है, तो वो है आपका साधारण चीनी, जो है सुक्रोज का एक साधारण नाम है। इनमें से कौन सा मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 65 में हम लोग आ गए हैं, तो वो आपका है कार्बोहाइड्रेट, जो है मानव ईंधन के लिए काम करता है, ईंधन की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखेंगे 65 के बाद से। यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाए तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि क्योंकि मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है। तो इसका आंसर जो है वो पहला सही है। यकृत का कार्य है, यकृत का जो कार्य है वो है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना। मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कॉमन सा है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। श्लेष्म झिल्ली की सूजन को कहा जाता है, तो श्लेष्म जो झिल्ली है उसकी सूजन को हम लोग कहते हैं, आपको बता दें कि वो होता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस उसे कहा जाता है, जो श्लेष्म झिल्ली होती है उसके सूजन को कहा जाता है। जैसे फेफड़ा से, फिर उसको खाली स्थान है से संबंधित है, वैसे ही हृदय रुधिर से संबंधित है। तो फेफड़ा से क्या संबंधित है? तो फेफड़ा से आपका जो संबंधित है वो चीज़ आपको बता दें कि इसमें से ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन से संबंधित है, फेफड़े में लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। निम्न में से किसे सामान्यतया स्वर यंत्र कहा जाता है? तो वो चीज़ है आपका वाक्यंत्र जो होता है उसे स्वर यंत्र भी कहा जाता है। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया में आपका जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो रुधिर समूह प्रणाली का उसका कहता है कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चीज़ है आपका 5 लीटर के करीब जो होता है वो रुधिर होता है एक वयस्क मानव शरीर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब 75 में देखते हैं, मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयु कितने दिनों की होती है? ये क्वेश्चन है, यहाँ पर डैश लिखा हुआ है, तो वो होती है 120 दिनों की। रुधिर में RH घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई है? बंदर के आधार पर की हुई है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? वो होता है लोहा, हीमोग्लोबिन में लोहा पाई जाती है। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किस रुधिर समूह में व्यक्ति सर्वाधिक दाता होता है? ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बता दें इसमें ओ जो होता है वो सर्वाधिक दाता होता है, वो किसी को भी दे सकता है। कौन सा रुधिर समूह सर्वाधिक प्राप्त कर सकता है? आपको बता दें इसमें, तो वो होता है AB, जो है सबसे सर्वाधिक प्राप्त कर सकता है। लाल रुधिर कोशिकाएं में नष्ट हो जाती हैं, प्लीहा, प्लीहा जो है नष्ट हो जाती है। मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? मानव हृदय का वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो वो थे विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। किस सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन होता है? किसी सामान्य मनुष्य में प्रति मिनट
औसत हृदय स्पंदन होता है तो वो होता है करीब 70। निम्नलिखित में से कौन कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो रुधिर बिंबाणु जो है उसके लिए आवश्यक है। लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती हैं किससे होती हैं? वो है अस्थि मज्जा में। इनमें से किस में रुधिर नहीं होता है पर श्वसन करते हैं? तो वो है हाइड्रा, जिसका आंसर है वो है हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रभावित होता है एवं इसके वापसी प्रभाव को रोका जाता है। तो ये है 28। आपको बता दें इसका जो सही है वो है सिराओं में, सिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव पर, तो उसे रोका जाता है सिराओं के रुधिर पर अत्यंत कम दबाव पर। हृदय का पेसमेकर है, हृदय का पेसमेकर है वो है एस ए नोड। निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिर चाप किसे माना जाता है? तो वो है 120/80, उसे सामान्य हम रुधिर चाप मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3, कंधा। अब यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 3, मैक्रो जो है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। असंगत को चुनना है हमें इसमें से, इन सब में जो है कौन सा असंगत है? तो इस सब में देखिए हड्डी जो है आपका असंगत रहेगा और बाकी इंसाइजर, कैना इन और मोलर जो है ये सब संगत में है। जांग में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बता दें इसको कहा जाता है फीमर। जांग में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है उसे हम कहते हैं फीमर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रीवा कशेरुक कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीवा कशेरुक जो आपका अवस्थित है वह है गला में। मानव की हड्डी में फिबुला पाई जाती है वो है पैरों में, तो फिबुला जो पाई जाती है वो पैरों में पाई जाती है। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या है करीब 24, वो कितनी है? 24। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किससे तैराकों को में सहयोग नहीं मिलता? तो जो सही आंसर है वो है गलफड़े, पहला इसका सही है। थोड़ा प्रिंट मिस है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही जो है प्रिंट दिया जाए। तो अब 99 में मैं आपको बता दूँ कि उसमें क्या लिखा गया है, तो वो जो है मैं आपको बता दूँ इसमें जो क्वेश्चन है वो है ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है, जो 99वां क्वेश्चन है इसमें है ह्यूमरस हड्डी कहाँ होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी होती है। लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य जो है मानव शरीर में नहीं होता है? तो वो होता है गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ का मुड़ना। निम्नलिखित में से सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो वो है हृदय आपका। निम्नलिखित में वह विकार कौन सा है जिसमें अस्थि पुंजी में कमी और भुरभुरेपन में वृद्धि होती है? तो वो है ये आप देख सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो भुरभुरेपन में वृद्धि होती है। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है वह है कैल्शियम। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली जो है धातु होती है। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो मानव तो जो त्वचा होती है उसकी औसत मोटाई होती है 2 मिलीमीटर की। एंडोक्राइन ग्रंथि का स्राव होता है वो है हार्मोन में। एंडोक्राइन ग्रंथि का स्राव हार्मोन जो है स्राव करती है, ये डैश आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप है। आगे देखते हैं। मानव शरीर के खाली स्थान में पीयूष ग्रंथि होती है तो वो है मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो आपको बता दूं कि इसमें है ट्रिपिक ट्रिपिस ट्रिपिनसिन जो है ट्रिपिसन
किसी मानव के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरिया। 109 देखते हैं, सामान्य पुरुष का तापमान कितना होता है? तो जो सामान्य पुरुष है उसका तापमान होता है वो होता है 36.9 डिग्री, 36.9 डिग्री सेल्सियस जो होती है इसकी सामान्य पुरुष के तापमान होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है आंसू का स्रवण करती है, मतलब कौन सी ग्रंथि जो है वो आपका आंसू को निकालती है? तो है लाइक ये आपका, ये मैं बता दूं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लियर नहीं है। तो ये जो ग्रंथि है ये आपका है लैक्रिमल, लैक्रिमल है जो कि ये श्रवण कराती है आंसू का। त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मेलेनिन, मेलेनिन जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण जो होता है त्वचा का रंग होता है। पुतली का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है पुतली का, एक हिस्सा है तो वो है मानव नेत्र। पुतली का एक हिस्सा कौन सा है? मानव नेत्र। उपकला ऊतक को भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? वो चीज है आपका दूसरा संरक्षी ऊतक, संरक्षी ऊतक है। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल स्त्री के शरीर में होता है तो वो है प्रोजेस्टेरान, प्रोजेस्टेरान जो होता है वो सिर्फ स्त्रियों के में स्राव होता है। इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो जो इंसुलिन है उसका स्राव होता है अग्न्याशय से। आगे बढ़ते हैं, खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है क्योंकि, क्योंकि इसमें कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटीहिस्टामिनिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देते हैं, तो इस वजह से हम लोग को वो चीज़ आराम मिलता है। गर्भाशय में बढ़ते बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखा जाता है। मिर्गी इनमें से किसकी बीमारी है? तो मिर्गी इनमें से जो है तांत्रिक तंत्र की जो बीमारी है एंड्रीनो, यहाँ पर देखिए आप एंड्रीनोकॉर्टिक कोट्रॉपिक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो वो है पीयूष के द्वारा। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में खालिस्तान के टीके की खोज के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर है डिफ्थीरिया की खोज के लिए दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? 121वां हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, तो उसके लिए विरुद्ध किया जाता है वो है BCG का उपयोग। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा के कारण बनती है, तो वो बनती है आपकी पथरी जो है, सही आंसर रहेगा। सिहोसिस रोग किस किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्रभावित करता है यकृत को। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो है डिप्थीरिया जो है वो दिल से संबंधित नहीं है। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण कर है? एलिसा टेस्ट जो है आपका वो है HIV का परीक्षण। एड्स रोग के किस भाग को प्रभावित करता है? तो वो है रोग प्रतिरोधक प्रणाली को। इन्फ्लुएंजा का फिर खालिस्तान का कारण है यहाँ पूछा गया। इन्फ्लुएंजा का कारण जो होता है वो है विषाणु। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखिया पुनः आद्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो वो चीज़ हैजा के लिए। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो जाता है? पराबैंगनी किरण, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज भी कहा जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने करने वाला कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो थे एडवर्ड जेनर ने। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है?
तो जो इसका सही आंसर है वो है श्वेत रुधिर कोशिका को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात की जाए 132वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित जो है लोग इंसुलिन दिया जाता है? तो किस रोग से पीड़ित को लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? वह है मधुमेह से पीड़ित लोगों को दिया जाता है। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो वह है आंत जो है उससे प्रभावित होता है। इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं? तो वह है अमरूद का जो है सेवन कर सकते हैं। बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करती है? तो यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है। किसके द्वारा जापान इन्फ्लाइटिस फैलता है? तो जो अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है और बिहार में भी है, और पहले ये गोरखपुर में काफ़ी अधिक सुनाई देता था, तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका चौथा, मच्छर से। किसके द्वारा जापानी इन्फ्लाइटिस होता है? वो मच्छर से होता है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो यह है हाइड्रोफोबिया जो होती है पागल कुत्ते काटने से होती है। मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? तो मलेरिया जो रोग है वो आपका मादा एनफिलीज जो होती है उसके काटने से फैलता है। डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है टीका प्रतिरक्षण से। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो वो है विषाणु के द्वारा। बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा में होता है? तो 141वां का जो सही आंसर है वो आपको बता दे कि है तपेदिक, तपेदिक के विरुद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन्होंने किया था जोनास ई शाल्क ने, यानी इसका सही आंसर है तीसरा। पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो पायरिया रोग जो रोग है वो है मछूड़ों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आमतौर पर वर्णांध क्या है? आमतौर पर वर्णांध है एक आनुवांशिक प्रकृति। आगे देखें हम लोग, तो आमतौर पर वर्णांध जो हो गया आपका एक आनुवांशिक प्रकृति है। और ये आगे बढ़ते हैं, योग्यतम में उत्तर जीवी जीविता को किसने अपने क्रम में विकास के सिद्धांत में पेश किया था? योग्यतम की उत्तर जीविका को किसने अपने क्रम में विकास के सिद्धांत में पेश किया था? तो वो थे आपके डार्विन ने। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग जो है वो आपका दिखाई देता है हरा। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? तो यह है XY क्रोमोसोम जो होते हैं, XY होते हैं। सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है डाली क्लोन स्तनधारी। क्लोनिंग पद्धति में किस प्रकार की कोशिका के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है? काइक के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पेनिसिलिन के आविष्कारक थे? तो पेनिसिलिन के जो आविष्कारक थे वो थे आपके एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे उन्होंने ही आविष्कार किया था पेनिसिलिन का। निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिका कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दे कहलाती है युग्मज, युग्मनज, युग्मनज। थैलेसेमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है, तो प्रभावित करता है वो आपके रुधिर को। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे क्वेश्चन देखें। डीएनए का आशय है वह है, आप देख सकते हैं इसमें से डीएनए का आशय जो भी है आप हमें कमेंट करके बताइएगा और हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। इसका जो 153वां का आंसर आप लोग दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद मैं वहां पर आपको जवाब दूंगा कि डीएनए का आशय क्या है।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्सवाइड करेक्ट से संबंध है? तो इसका जो आंसर है आपको बताएं कि इसमें है लेमार्क जो थे वो थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाड्स कैरेक्टर, तो इन्होंने ही बनाया था इसको, दिया था। एक वंशानुगत रोग जिसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता, जिसके चलते एक मामूली कट के कारण होने वाली रुधिर स्राव से प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, इस रोग का क्या कहा जाता है? इस रोग को कहलाता है वह है हीमोफीलिया, जो इसका पहला है वो हीमोफीलिया है। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो प्रस्तावित किया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, जिसका तीसरा आंसर है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है वह है होमो सेपियंस सेपियंस, यानी चौथा। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाए जिसमें समानता का पता लगाने में टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा, ये देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनमें से हमें समानता का पता लगाना है। समानता का जो पता है ये सभी फल हैं, तो यही इसकी समानता होगी। इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो चीज़ है टमाटर को सामान्यतः जो हम लोग फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पौधों की पत्तियों के जल के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो पौधे के जल को उसको बोलते हैं हम लोग, पहला ट्रांसपरेशन, तो पौधे के पत्तियों के जल के वाष्पीकरण को ट्रांसपरेशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट 160 क्वेश्चंस थी जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर किया है, और आप लोग इसकी तैयारी करिए अच्छे से। और भी इसके हम जो भी पार्ट्स आएंगे आने वाले समय में, आपको जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और जो भी है इसकी तैयारी के लिए, हम आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे। और हम आपको इसके बाद कल तक मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जो है इसके वीडियो जो है वो 200 के करीब क्वेश्चंस रहेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा, अपने राय हमें इस पे कमेंट में दीजिएगा, फिर मैं आप लोग के लिए लेके आता हूँ कोई नया इन्फॉर्मेशन के साथ, नई आपके लिए जानकारी लेके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए याद दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।